हेलो, मैं हूं प्रीतेश मिश्रा। स्वागत करता हूं आपका एक अमेजिंग और नए एपिसोड में, जिसके अंदर हम बात करेंगे कॉफी विद करण सीजन 7 के सबसे पहले एपिसोड के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कॉफी विद करण, जो 2 साल से बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था 2020 में पैंडेमिक के वजह से, और उसी साल नेपोटिज्म के ऊपर जो बहुत बड़ा एक रेडार था, जो जिसका हम कह सकते हैं नेपोटिज्म के टॉर्च बेरर तक कह दिए गए थे करण जौहर को, और फिर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ की वजह से ये सब चीजें और काफी सीरियस हो चुकी थी। लेकिन 2 साल के बाद एक फेमस कॉन्ट्रोवर्शियल टॉक शो कॉफी विद करण वापस आ चुका है, और वो भी इस बार सिर्फ और सिर्फ OTT पे, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। कॉफी विद करण सीजन 7 का पहला एपिसोड आ चुका है 7 जुलाई को, और उसके अंदर जो सबसे पहले गेस्ट है इस सीजन के वो है रणवीर सिंह और आलिया भट्ट। दोनों ही एक करिश्मेटिक पर्सनालिटी पजेस करते हैं और दोनों के पास ही काफी बातें होती है करने को। तो उसके अंदर एपिसोड के अंदर बहुत सारी बातें हुई, लेकिन हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बहुत ही काफी कॉन्ट्रोवर्शियल और काफी इंटरेस्टिंग थी। मैं बात करने वाला हूँ, शुरुआत करें तो आलिया भट्ट, जो रिसेंटली अभी उन्होंने अपनी शादी की, तो उनसे पूछा गया था अबाउट द वेरी फर्स्ट नाइट ऑफ देयर वेडिंग नाइट। तो वो कहते हैं कि ऑलरेडी इंसान इतना थक जाता है थ्रू आउट द डे, जितने फंक्शंस इवेंट्स ये सब करने के बाद, दे जस्ट वॉन्ट टू स्लीप। रणवीर सिंह ने बताया अपने डिसअपॉइंटमेंट को फॉर बींग अनसेरिमोनियली कह सकते निकाले गए फ्रॉम बॉम्बे वेलवेट, बिकॉज जिस वक्त बॉम्बे वेलवेट मूवी बन रही थी उस टाइम पे रणवीर सिंह वॉजंट एबल टू जस्टिफाई हिज बजट, यानी कि उस टाइम पे ही वॉज नॉट हैविंग सच अ सक्सेसफुल स्टारडम, लेकिन नाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड फ्रॉम हिज साइड। आलिया भट्ट ने ये बात तक बताई कि उनको पूछा गया कि आप आलिया भट्ट के आगे कपूर लगाएंगे, तो बोलते कि मुझे जरूर नहीं है, सबको पता है कि मैं भट्ट कपूर हूँ, इसलिए मैं आलिया भट्ट एज वेल एज कपूर हूँ। तो ये बात समझने वाली है, और थोड़ी समझदारी की उन्होंने, क्योंकि उनको पता है कि उनका नाम आइडेंटिटी उनके नेम के साथ आलिया भट्ट के साथ है, लेकिन आफ्टर मैरिज वो कपूर भी है, लेकिन नाउ एवरीवन नोज अबाउट इट, सो इट्स रियली ग्रेट। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए बताया रणवीर सिंह ने कि वो उर्फी जाय, जिनको बहुत आप देख सकते हैं कि बहुत ट्रेंडिंग में रहते हैं उनके वार्डरोब के वजह से, और उनके टाइप ऑफ क्लोथिंग विच शी चूजेस टू वेयर, लेकिन शी बिकॉज रणवीर सिंह कंसिडर्स उर्फी जावेद अ फैशन आइकन, सो दिस इज समथिंग एवरीवन नीड्स टू नो, बिकॉज इसके बारे में काफी कंट्रोवर्सी थी कि उर्फी कैसे कपड़े पहनती है, क्या पहनती है, काफी लोगों ने उनको बहुत उसके वजह से बहुत बैकलैश भी उनको सहना पड़ा, लेकिन दिस इज व्हाट रणवीर सिंह थिंग्स अबाउट इट, और मेरे हिसाब से भी ये सही है, बिकॉज रणवीर सिंह जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, बिकॉज रणवीर सिंह क्या करते हैं, ही वेयर्स हिज हार्ट, यानी कि उनको जो मन करता है वो पहनते हैं, दैट्स द रीजन व्हाई ही इज एबल टू वेयर सच अमेजिंग एंड एट सम टाइम्स डिफरेंट क्लोथ्स। तो उनके हिसाब से देखे जाए तो स्टेटमेंट सही है। आगे बात करते हुए गंगूबाई काठियावाड़ी की सक्सेस के बाद देर वॉज अ सीन जिसके अंदर रणवीर सिंह वॉज टेलिंग हर कि वह एक और नई मूवी बनेगी जस्ट लाइक स्पूफ ऑफ गंगूबाई काठियावाड़ी, जिसको वो प्रोड्यूस करेंगे और डायरेक्ट करेंगे। ये मतलब थोड़ी मस्ती मजाक की बातें थी, और इसके अंदर एक पूरा फन एक लाइट हार्टेड शो था, जिसके अंदर 2 साल के बाद करण जौहर भी उनके शो में वापस दिखे, और ही केम बैक अमेजिंगली। उन्होंने साबित किया कि क्यों ये शो को इतनी हाई TRP आती थी और क्यों इसकी इतनी डिमांड है। ऐसे ही आगे के एपिसोड्स में दिखेंगे अलग अलग सेलिब्रिटीज और आएंगे, वरुण धवन, अनिल कपूर जैसे काफी सेलिब्रिटीज और आएंगे, तो ये सीजन में होंगी बहुत सारी चीजें जानने के लिए, और आने वाला है काफी मजा। अगर आप एक हैं बॉलीवुड फैन, आपके लिए है कॉफी विद करण बड़ा काम का। कॉफी विद करण सीजन 7 नाउ स्ट्रीमिंग ओनली ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार, सो
जाके आप देख सकते हैं। ये थी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने बात की अबाउट कॉफी विद करण सीजन 7 एपिसोड 1। बाकी एपिसोड्स के बारे में भी मैं बात करूंगा बहुत जल्द सिर्फ इसी चैनल पे। सब्सक्राइब करना ना भूले इस चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करके बताइए कि पूरे एपिसोड में कॉफी विद करण सीजन 7 के एपिसोड 1 में आपका कौन सा फेवरेट इंस्टेंस था, कमेंट करके बताइए। हम मिलेंगे जल्द अगले एपिसोड में, तब तक ध्यान रखिए, सी यू देन।